फाइनली आईपीएल का सीजन आ चुका है और इसी सीजन के साथ तुम्हारा भाई लेकर आ गया तुम्हारे लिए अमेजिंग सा प्रोजेक्टर, ये है डॉन्जो का मूवी बॉक्स 21। वैसे भाई अभी अपन आईपीएल देखने गए थे और आईपीएल देखने का रीजन था स्टेडियम का जो फील है, जो मजा है वो लेना था। वहाँ जो मजा, वहाँ जो फील मैंने एक्सपीरियंस किया ना गाइज, वो आप इस प्रोजेक्टर पे कर सकते हो। 350 इंच का मैसिव ये जो है डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। तो फटाफट से अपन इस प्रोजेक्टर को खोलते हैं, देखते हैं किस तरह की क्वालिटी मिलकर आती है। बट पहले कंटेंट पैकेज संभाल लेते हैं, कंटेंट क्या क्या दे रहे डब्बे के अंदर। तो डब्बा कुछ इस तरह का को देखने को मिलता है जिससे बढ़िया मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर लिखा है, ज्यादा कुछ ब्रांडिंग वगैरह करनी रखी इन्होंने और को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसकी प्राइसिंग वगैरह दे रखी है, कहाँ से ये शिप वगैरह हुआ है वो दे रखा हुआ है इन्होंने। बाकी अपन इसको साइड में रखते हैं, उसके जो कंटेंट पैकेज है उस पर नजर रखकर डालें अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एक पावर केबल देखने को मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इसको बढ़िया सा ऑन कर सकते हैं। साथ में आपको एक पॉलिथिन मिलती है। अब इस पॉलिथिन में ना एक सबसे खास कार्ड है जिसको संभाल कर रखना, ये है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड पर आपको डेट वगैरह डिलीवरी मिलेगी जैसे जिस दिन आप इसको खरीदेंगे। साथ ही में आपको सीरियल नंबर भी मिल जाएगा आपके प्रोजेक्टर का, तो इसको बड़े ध्यान से संभाल कर रखना। एक आपको मिलता है यहाँ पे ब्लूटूथ रिमोट। ये रिमोट जो है वायरलेस चलता है, इसमें इंफ्रारेड नहीं, इन्होंने यहाँ पे ब्लूटूथ का यूज कर रखा है। प्लस इसमें जो है माइक वाली फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है, डिटेल में बात करेंगे। दो यहाँ पर आपको 3D ग्लासेस मिल जाते हैं। इनका वैसे ऐसा यूज आता नहीं है, थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेन करना हो या कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना हो 3D कंटेंट, तो ये कहीं ना कहीं उनके काम आ जाता है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक बढ़िया सी HDMI केबल और एक आपको केबल मिल जाती है यहाँ पर, जो आपके पुराने सेट टॉप बॉक्स हैं या वीडियो गेम वगैरह जो आते हैं ना पुराने वाले, उनको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये वाली केबल मिल जाती है। तो ये कुछ पैकेज के अंदर मिलेगा यहाँ पर आपको साथ में डब्बे में। पर अब बात करेंगे अपन यहाँ पे सीधे प्रोजेक्टर के बारे में। तो भाई साहब प्रोजेक्टर तो काफी हेवी है ये, और डेफिनेटली साइज के मामले में बहुत बड़ा। अब तक जितने प्रोजेक्टर मैंने रिव्यू करे ना उसमें ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइज का प्रोजेक्टर मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि इसको आप पोर्टेबल वाली कैटेगरी में तो बिल्कुल डाल नहीं सकते, साथ ही इसका जो वेट है उसके लिए आपको प्रॉपर स्टैंड चाहिए अच्छा, तभी इसको आप कहीं ना कहीं रख सकते हो। वैसे ट्राइपॉड वाले स्टैंड पे लग जाता है और पर्टिकुलरली जो सीलिंग वाला चीज है वो भी इसमें हो जाती है, और थोड़ा सा हेवी यूज करना है यहाँ पे क्योंकि इसका वेट सही में बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे फिजिकल अगर ओवरव्यू की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो प्लास्टिक कैबिनेट आपको देखने को मिलता है, प्योर प्लास्टिक कैबिनेट यहाँ पर दे रखा है साइड में सब कुछ हर जगह। यहाँ पर टॉप में आपको साइड में एक बार दे रखा है, इस साइड बार में आपको सारे टच प्रोवाइड कर रखा है। ये एक डिफरेंट चीज आती है, अभी यूजुअली प्रोजेक्टर्स में ना वो बटन्स वगैरह आते हैं फिजिकल, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है उन्होंने टच प्रोवाइड कर रखा है। इस साइड अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको वेंट्स मिल जाते हैं, जो भी आपकी हीट है प्रोजेक्टर में, जो प्रोसेसर चल रहे हैं फैन चल रहे हैं उसकी हीट जो है यहाँ से रिलीज होती है। बैक साइड में यहाँ पर आपको एक फैन वेंट मिलता है बड़ा वाला, प्लस आपको यहाँ पीछे मिलेगा एक स्पीकर, और आपको सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दो HDMI दे रखी हैं, दो USB मिल जाएगा, एक आपको AV का सपोर्ट मिल जाएगा, एक ऑक्स यानी कि होम थिएटर वगैरह लगाना तो वो मिल जाएगा, प्लस RJ45 भी दे रखा है। तो अगर आपको इथरनेट केबल लगानी है, डायरेक्ट इंटरनेट सप्लाई देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। वही अगर राइट साइड में देखेंगे तो फिर आपको एक वेंट मिल जाता है और आपका पावर सप्लाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब फ्रंट जो है इसका इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर ना आपको ऑटो की स्टोन वगैरह जो चीजें हैं उसके लिए मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता, क्योंकि ये फुल जो है इसके सेंसर पे वर्क करता है। यहाँ पर आपको कैमरा दे रखा है, ये कैमरा जो है ऑटोमेटिकली जो वॉल है जो भी डिस्टेंस है उसको अपने आप ट्रैकअप कर लेता है। सेंसर भी दे रखे हैं इसमें, तो उस सेंसर के चलते आपको जो है फोकस ऑटोमेटिक करके देता है, तो ये इस प्रोजेक्टर की सबसे खास बात है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो इसका ग्लास है, ये बहुत अच्छा ग्लास इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखा है जिसको ये बोलते हैं हाई ट्रांसमिशन ऑप्टिकल ग्लास लेंस इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखा। पर्टिकुलरली मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टर रिव्यू कर रखे बट इसकी क्वालिटी मुझे बेहतर लगी है यहाँ पर, और ये जो टॉन्जो की आप छोटी सी ब्रांडिंग देख रहे हैं थोड़ा सा लुक और एलिगेंस कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। और इसमें ना आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि गोल्डन फ्रेम है, ब्लैक कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है। नीचे जो इसके स्टैंड दे रखे हैं उसमें इन्होंने रोज गोल्ड का थोड़ा सा यहाँ पे टिंट यूज कर रखा है, तो दिखने में थोड़ा सा लगता है कि प्रीमियम और एक्सपेंसिव वाला प्रोजेक्टर है, बट आपको बजट में ही मिलता है कहीं ना कहीं। अब अगर बॉटम की बात कर लें यहाँ पे, तो बॉटम में जैसे अगर आपको इसको सीलिंग माउंट करना है तो ये जो इसके स्टैंड है ये रबड़ पेड्स को आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपको माउंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और वैसे अगर आपको स्टैंड वगैरह पे लगाना है ट्राइपॉड वगैरह पे तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यार फिजिकली कुछ इस तरह का प्रोजेक्टर आपको मिलता है जो कि नो डाउट काफी सही है। तो ये तो कहीं ना कहीं इसके बिल्ट और डिजाइन के बारे में बात हो गई, आते हैं अब इसके फिजिकली जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की मिलने वाली है आपको। तो ये जो प्रोजेक्टर है 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, बट इसका जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो आपको फुल HD देखने को मिलता है, यानी कि 1920x1080 पिक्सल्स का। अब यहाँ पर आपको 4K कंटेंट सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर आप कुछ प्लेबैक करना चाह रहे हैं, कुछ फुटेज है जो 4K में अवेलेबल है, तो ये स्मूदली यहाँ पर फंक्शन करता है, स्मूदली चलता है, आपको दिक्कत नहीं आती है। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आप
स्पोर्ट्स इंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो आपको डिटेलिंग जो है मिस नहीं होती। इवन अगर आप मूवीज देखते हो जो एक्शन वगैरह होते हैं वो भी मिस नहीं होते। तो परफॉर्मेंस वाइज आप अभी जो पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं ये है 120 इंचेस की, 120 इंचेस के अराउंड आपको ये स्क्रीन जो है दिख रही है अभी। और मेरे हिसाब से इस साइज में अगर आप देखेंगे तो कलर्स बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इन्होंने यूज कर रखा है वो 10,000:1 का देखने को मिलता है। और क्रिस्पनेस है, शार्पनेस अच्छी मिल जाती है। और कलर्स आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, आपको सेटिंग्स का पूरा ऑप्शन और फंक्शन दे रखा है। और जो ब्राइटनेस की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में ना, कि इसकी ब्राइटनेस बहुत अमेजिंग लगी थी मुझे, कंपनी 11,000 लूमेंस क्लेम कर रही है बट उतनी नहीं है। जो भी आपको फ्रैंक मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो लूमेंस कहीं ना कहीं आपको अराउंड 6,000-7,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि हर प्रोजेक्टर एक कंपनी क्लेम करती है बड़े नंबर्स में, बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको आई से ही समझ में आती है। बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट आपको लूमेंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। जैसे अगर अभी मैं डार्क रूम में प्ले कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कंटेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ी सी अगर ऐसे लाइट जला के मैं प्ले कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से कर्टन्स खोल रखे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी जो इस लाइट में परफॉर्मेंस है वो भी काफी विजिबल आपको, मतलब डिटेल्स जो है वो मिस आउट नहीं होती है। हाँ, थोड़े से डार्क कंटेंट अगर आप देखेंगे प्ले करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कुछ चीजें विजिबल नहीं हो पा रही है, बट स्टिल ब्राइटनेस मोर देन इनफ है। और अगर आप इस पे एजुकेशन कंटेंट प्ले करना चाहते हैं, एजुकेशन पर्पज से भी यूज करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्टर को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें विजिबल हो जाती है। और जितने छोटे साइज में आप प्ले करोगे उतना ज्यादा आपको लूमेंस देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि हम लोग स्क्रीन जितनी बड़ी करते जाएंगे तो लूमेंस का स्प्रेड बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेड साइज है वो अराउंड 100-120 इंच या 150 इंच तक भी जा सकते हो। ये रेंज आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगी अगर आप कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं। इससे ऊपर जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि ब्राइटनेस कम होती जा रही है और उसके लिए आपको डार्क एम्बियंस चाहिए। जितना डार्क एम्बियंस होगा उतना ज्यादा फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। वैसे अगर मैक्सिमम साइज की बात करूं तो 300 इंचेस प्लस ये चले जाता है। तो अगर आपको बड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए फिर कहना है जगह भी आपको बड़ी चाहिए, बट 100 से लेके 150 तक आपको एकदम परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है और लूमेंस भी प्रॉपर रहते हैं। साथ ही इसमें जो एस्पेक्ट रेशियो है दोनों सपोर्टेड है, 16:9 भी सपोर्टेड और 4:3 भी, जो एजुकेशन पर्पज से यूज किया जाता है, जहां पे आपको टेक्स्ट वगैरह की जो क्लैरिटी है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है। शार्पनेस मुझे बढ़िया लगी यहाँ पे, मतलब डिटेलिंग्स मिस आउट नहीं होती है। और अगर मैं ब्लर्स की बात करूँ, काफी सारे प्रोजेक्टर्स आते हैं जिनके एजेस ब्लर करते हैं, बट इस प्रोजेक्टर में वो चीज मैंने नोटिस नहीं करी। तो नो डाउट आपको परफॉर्मेंस काफी सही मिल जाती है। प्लस इसकी जो लैंप लाइफ है वो 40,000 आवर्स की है और उन्होंने एफिशिएंट लैंप यहाँ पे यूज करा है, जो कहीं ना कहीं एनर्जी सेव करता है। तो इन टोटल अगर आप घर में इसको 6 घंटे भी डेली यूज करने वाले हो तो 10 साल तो आपका जो ये प्रोजेक्टर है आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब वहीं ये प्रोजेक्टर जो है एंड्रॉइड सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पे सारी जो फंक्शनैलिटी एंड्रॉइड वाली मिल जाती है, सारे OTT एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। मेन्यू अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ इस तरह का आपको मेन्यू मिलता है, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, होम का है, मूवीज का है, टीवीज का है, प्लस आपको बिल्कुल एकदम फायर टीवी स्टिक वाला एक्सपीरियंस कहने का मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब सेटिंग ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रोजेक्टर सेटिंग्स को, तो प्रोजेक्टर सेटिंग्स में जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक, तो आपको सारा कीस्टोन और फोकस मिल जाता है। बट इनकेस अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर सेट नहीं हो पाया और कीस्टोन करेक्शन आपको सेट करनी है, आपके दीवार में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, तो आप यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं, सारी आपको फीचर्स मिल जाते हैं। और जूम इन जूम आउट वाला फंक्शन भी मिल जाता है। लग रहा है कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन साइज हमें थोड़ी छोटी करनी है तो आप छोटी भी कर सकते हो, फ्रेम सेट कर सकते हो, तो सारी आपको प्रॉपर ऑप्शन मिल जाते हैं। सीलिंग पे लगाने के बाद आप अपराइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा ही आपको विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सेटिंग में वो चीजें मिल जाती हैं आपको सबसे पहले। प्लस सेटिंग्स में और भी बड़ी ऑप्शंस आपको मैं प्रोवाइड कर रही है, साउंड वगैरह का थोड़ा सा आपको सेटिंग्स वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है, क्वालिटी को लेकर ना, तो वो आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह भी दे रखे हैं, अगर आपको कुछ अपडेट्स आते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है यहाँ पे। और इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे आपको दोनों सपोर्ट करता है, 2.4 GHz का वाईफाई भी सपोर्ट करता है और 5 GHz वाला वाईफाई भी सपोर्ट करता है। प्लस आपको यहाँ पे जो है ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपको अपने कुछ स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करना है तो वो आप डायरेक्टली जो है प्रोजेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है ब्लूटूथ के थ्रू। प्लस यहाँ पे जो इसकी स्टोरेज है वो अराउंड आपको 8 GB की स्टोरेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, बट इसमें से आपको कुछ अवेलेबल 4 GB के आसपास रहती है। 1 GB की रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें मेरे हिसाब से स्मूथ फंक्शन कर रहा है, ऐसे आपको टॉगल करने में जो है लैग देखने को नहीं मिलेगा, जो UI है इसकी एंड्रॉइड की खुद की, तो एंड्रॉइड इसमें दे रखा है। बस इस एंड्रॉइड में एक ही चीज मिसिंग है, वो है वाइड वाइन L1। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो इसका खुद का जो एंड्रॉइड है
उसमें अगर आप कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट प्ले करेंगे तो वो 480 पिक्सल की रिजोल्यूशन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, यानी कि फुल HD या 4K पे नहीं जाएगा, तो वो एक आपके लिए कंसर्न कहीं ना कहीं हो जाता है। तो मैं हमेशा वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग है ना जिस सेकेंडरी जो एंड्रॉइड डिवाइसेज आते हैं जैसे कि रियलमी की फायर टीवी स्टिक हो गई या MI की हो गई, बेस्ट जो मेरे को लगती है वो है अमेजोन फायर टीवी स्टिक 4K वाली, आप लगा लो, कनेक्ट कर लो और उसमें आप अगर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे 4K सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो HDMI के थ्रू जो भी आप सपोर्ट लगा रहे हैं, PC वगैरह लगा रहे हैं, लैपटॉप लगा रहे हैं, तो HDMI के थ्रू आप जो है यहाँ पर 4K प्लस HDR कंटेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट इसके अंदर जो एंड्रॉइड है उसमें 480 पिक्सल से ऊपर रिजोल्यूशन नहीं जाएगा। कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो जो उसका एंड्रॉइड वाला YouTube है वो थोड़ा सा अलग नजर आता है, जो Amazon Fire TV Stick वाला जो एंड्रॉइड है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्चर क्वालिटी में भी कितना फर्क है, कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं और जो रिजोल्यूशन जैसे कि मैंने बात करी कि ये 4K सपोर्ट करता है, यहाँ पर आपको 4K सपोर्ट नहीं मिलता, वो दोनों चीज़ों का कंपेरिजन आपको समझ में आ जाएगा कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप जो उसके HDMI पोर्ट दे रखें उसके थ्रू ही आप जो कंटेंट प्ले करें तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब वैसे यहाँ पे हम लोग स्पीकर परफॉर्मेंस या साउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ना आपको 10 वॉट का बिल्ट इन स्पीकर दे रखा है और वन ऑफ द बेस्ट मैं स्पीकर कह सकता हूँ इसको, क्योंकि इसकी जो लाउडनेस है वो मोर देन इनफ है। अगर आप ऐसा लग रहा है कि अकेले हैं और आपके पास स्पीकर वगैरह नहीं है तो इसका जो स्पीकर है वो मोर देन इनफ है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। और हमने एक टेस्ट भी कर रखा था, आप देखो किस तरह की परफॉर्मेंस है इसका स्पीकर देता है। अब जो कुछ क्वेरीज काफी लोगों के दिमाग में रहती है उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है ना कि कितनी डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे तो कितने इंच का साइज मिल जाएगा। तो इसकी जो लोएस्ट साइज है पिक्चर की वो है 75 इंचेस की जो है आपको मिनिमम साइज देखने को मिलती है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो अभी करेंटली जो आप 120 इंचेस की जो देख रहे हैं इमेज, इसकी जो डिस्टेंस है वो अराउंड आपको 9 फीट देखने को मिलती है, 9 to 10 फीट के बीच में है, तो आपको 120 इंचेस का एक्सपीरियंस मिल जाता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी डिस्टेंस पे आपके प्रोजेक्टर को रखना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का आपको पर्टिकुलर जो है इमेज साइज मिल जाएगा। 75 लोएस्ट है, 350 मैक्सिमम जा सकते हो, और उससे ज्यादा जाने की कोशिश करोगे तो फिर ऑब्वियस आते थोड़ा सा फटने लगता है, क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं फोकस की जो दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं आने लगेगी आपको। तो यार इन टोटल मैं इस प्रोजेक्टर को कंक्लूड करना चाहूं तो मुझे पर्सनली ये प्रोजेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है परफॉर्मेंस वाइज, स्पेशली जो इसकी ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी मिलती है आपको। कहीं ना कहीं अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्टर इस प्राइस सेगमेंट में देखोगे ना तो ब्राइटनेस में थोड़ी सी मात खा जाते हैं, बट इसकी ब्राइटनेस बहुत अमेजिंग है, दिखने में थोड़ा प्रीमियम दिखता है। और सबसे बढ़िया पार्ट ये कि इसमें ऑटो कीस्टोन प्लस ऑटो फोकस आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको बार बार फोकस सेट करने की या कुछ इशू है वो आपके कहीं ना कहीं नहीं आएंगे, आप इसके जो डायरेक्ट सेटिंग्स हैं वो अपने आप ही करके दे देता है, तो आपको एक बढ़िया पिक्चर क्वालिटी और परफेक्शन देखने को मिल जाती है। अब एंगल की बात करूं तो एंगल जितना अच्छा होता है ना आपका उतना अच्छा आपको इमेज देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभार जो एक कंप्लेन आती है ना लोगों की जो एजेस हैं वो ब्लर कर रही हैं, तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रॉपर इसको सीलिंग माउंट करने वाले हैं तो आप जो है डिस्टेंस है जो एंगल है वो एकदम बैलेंस करके लगाएं, प्लस जो आपकी स्क्रीन है वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़िया देखने को मिलेगा। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ है, अगर आप हल्के फुल्के लाइट वाले सिनेरियो में भी चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। एंड्रॉइड में जो मुझे पर्सनली कंसर्न लगा कि अगर ये वाइडबैंड एल्बम सपोर्ट करता तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेहतर हो जाता, बट ठीक है अगर आपको थोड़े बहुत कैजुअल जैसे कंटेंट देखना तो आप इसके एंड्रॉइड में देख सकते हो, नहीं तो प्रेफरेबल वही रहता है कि आप अलग से एक फायर टीवी या फिर ऐसा कुछ डिवाइस खरीद के लगाओ तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सेटिंग्स वगैरह सारी मिल जाती हैं, कलर्स वगैरह हैं, रेजोल्यूशन वगैरह है या कुछ भी चेंजेस करना तो सेटिंग्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप इस प्रोजेक्टर को खरीदना चाहते हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ही पर्सनली, क्योंकि मस्त है ये प्रोजेक्टर। पर्सनली जो इसमें रिमोट दे रखा है वो भी बहुत बढ़िया दे रखा है, मतलब अगर आप इसको यूजेज की बात करें स्लिम है, सारी फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिल जाती है और इसमें वो वॉइस असिस्टेंट वाली फंक्शन भी वर्क करती है। तो भाई साहब एकदम स्मार्ट प्रोजेक्टर है और इंटरेस्टिंग लगा हो आपको ये डिवाइस जितना समझ में आया है इस वीडियो के थ्रू, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। या कुछ सवाल या कुछ डाउट आपके मन में हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल आप ही के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ भी अगर सवाल है अगर कुछ भी लग रहा है आपको तो पूछ लेना बिंदास, हमें फॉलो भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहाँ भी हम लोग कंटेंट डालते रहते हैं, तो चेकआउट करना इस प्रोजेक्टर को, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बस इतने कहना चाहूंगा जाते जाते कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना, सजेशंस भी दे देना कुछ अगर लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्टर वाले वीडियो में कमी रह गई हो या कुछ डालना चाहिए ऐड ऑन करना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।